टीम फनकार अपना मसला लेकर आए हैं, आप इनके लिए कुछ कर सकते हैं? आपकी वजारत इनके लिए कुछ मेरे पास बेहतरीन जो हो सके मैं करूंगा। फनकारों के लिए कोई पॉलिसी है? पाकिस्तान का वन मैन ऑर्केस्ट्रा तारिक जैक्सन शदीद माली मुश्किलात का शिकार। फनकारों के बारे में जो इन दिनों संगीन माशी हालात से दो चार हैं, इनमें मारूफ कॉमेडियन तारिक जैक्सन भी शामिल हैं। से लोगों के चेहरों पर खुशियां बिखेरने वाला फनकार तारिक जैक्सन है। तहम अब वो पता नहीं जमाने या पंजाब हुकूमत की सितम जरीफी का शिकार है। शादियों का फंक्शन नहीं करना चाहते और ना ही करना चाहते हैं कि ये लंबे चले, लेकिन हम तो किसी भाई की बहन की शादी है तो उसमें एज ए पार्टिसिपेट करने चले जाते हैं, लेकिन यही हमारा सोर्स ऑफ इनकम। लेकिन अगर हमें मुतबादल मैं टीवी चैनल पे कि हमें शादी में जाने की क्या जरूरत है, हमें कोई जरूरत नहीं है। ये बड़ी अच्छा कदम है, ऐसा होना चाहिए, 12 बजे तक इवेंट क्लोज होना चाहिए, लेकिन हमारे पास सोर्स और हो तो हम कहीं जाए ना। दीगर फनकार भी इसी तरह का शिकवा करते नजर आते हैं। नाइंसाफी है जो हम महसूस कर रहे हैं, हमारा और कोई कारोबार नहीं, हम यही करते हैं और यही से हम कमाते हैं। जो मैं तकरीबन 10-12 साल से सिंगिंग ही कर रहा हूँ और आज जो मुल्की हालात जिनकी वजह से आज हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि हम इंतज़ार करते हैं कि कब हमें कोई प्रोग्राम की कॉल आएगी और हम वहाँ पे जाएंगे। CNBC पाकिस्तान ने जब पंजाब के वजीर सकाफत से बात की तो इस मसले पर बात करने पर संजीदा नजर नहीं आए। नेक्स्ट वीक, क्योंकि मैं पिछले 3 माह से मेरे कोई प्रोग्राम नहीं मिला और ना किसी टीवी चैनल से मिला, मेरे पास नेक्स्ट वीक के लिए पैसे नहीं है, मुझे बताया मैं कहाँ से पैसे लूँ। इस्लाम साहब मुख्तसर हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आप वजीर सकाफत हैं पंजाब के, ये टीम फनकार अपना मसला लेकर आए हैं, आप इनके लिए कुछ कर सकते हैं? आपकी वजारत इनके लिए कुछ मेरे पास जो हो सके मैं करूँगा। फनकारों के लिए कोई पॉलिसी है? दुनिया भर की महज़ कौमें फन और फनकार की कदर करती हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये बात सिर्फ शिकवे तक ही रह गई है। याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उसे, दिल क्यों बुलाए। नाज़रीन, फनकार की कहानी आपने देखी, जो हुकूमती इमदाद के तो मुंतजर हैं लेकिन हुकूमत उनसे आंखें फेरे हुए हैं। नाज़रीन, CNBC पाकिस्तान पर खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ पर वक्त है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।